क्यों मैं आरके मिश्रा सर आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाहता हूं कि एनटीपीसी में असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसी आई हुई है आपके साथ सरासर धोखा हुआ है। पॉइंट यह है कि आप बताइए, आप बीई के स्टूडेंट्स हैं, बीटेक के एस्पिरेंट्स हैं, आपके पास डिग्री कहां से आए? डिग्री है तो एक्सपीरियंस कहां से आएगा? तो एनटीपीसी के खिलाफ भी हमें मोर्चा खड़ा करना है कि एनटीपीसी को कम से कम यहां पे फ्रेशर्स को भी अलाउड करना चाहिए। ऐसा न्याय आप लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। तो ये भी मुद्दे रखना है, क्योंकि आप ये सोचिए, आप तो जिंदगी भर 4 से 5 सालों में गेट के थ्रू रिक्रूट कर रहे हो और आपने अगर नोटिफिकेशन जारी किया तो ये क्या कंडीशन लगा रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं सरकार के लोगों को कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में कि एनटीपीसी एक्चुअल में कर क्या रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो गाइज ये भी मुद्दा एक सबसे बड़ा है पूरा। हमें कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट प्रोसेस को रिफॉर्म करवाना है अपने दम पे। तो गाइज प्लीज आप लोग मैक्सिमम आज अपने 11 बजे जो 25 फरवरी को हैशटैग मोदी है _ रोजगार _2 पे आ रहा है उस पर ट्विटर पे ट्रेंड कराइए और मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करिए कि इस तरह का सिस्टम को पूरी तरह से रिफॉर्म किया जाए। तो गाइस एनटीपीसी के द्वारा हम लोगों को चीट किया गया है, स्पेशली बीटेक के या बीई के एस्पिरेंट्स को। तो जय हिंद जय भारत, मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करिए और एनटीपीसी का भी मुद्दा बनाइए जिससे कि कम से कम सरकार के लोग हर एक वैकेंसी प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करो ताकि यार हमें कहीं ना कहीं चाहे बीटेक हो चाहे डिप्लोमा हो सभी को एक समान मौका मिलना चाहिए। अगर बीटेक का रिक्रूटमेंट आ रहा तो फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस हो, 1 साल के एक्सपीरियंस में क्या कोई कर देगा? आप बताइए कौन सी क्राइटेरिया लगा रहे हैं? 1 साल के एक्सपीरियंस में बच्चा बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो जाएगा? सैड, सो सैड। मतलब यह कि जो रिक्रूटमेंट बॉडी है वो बिना सोचे समझे कुछ भी नोटिफिकेशन में डाल दे रहा है, उसको खुद नहीं पता है कि मैं क्यों डाल रहा हूं, इसके बिहाइंड मेरा रीजन क्या है। तो गाइस मैक्सिमम लोग इसको आप लोग क्या करिए, आगे बढ़ाइए, बढ़िए और इसको करिए। जय हिंद जय भारत, आरके मिश्रा सर की तरफ से।